Daily Bulletin is brought to you by KBN University, Style Up at Prakash Asian Mall, and by United Diagnostics. शुरुआत करते हैं कोविड 19 के केसेस से। 18 नए पॉजिटिव केसेस आज रजिस्टर हुए हैं और 18 डिस्चार्ज या क्योर केसेस। टोटल एक्टिव केसेस जहां के वहीं पर हैं 234। नाइट कर्फ्यू चलते हुए दिन भर काफी सारे कन्फ्यूजन चलते रहे, लेकिन कर्नाटक सरकार ने कल जो दिया बयान कि नाइट कर्फ्यू इम्प्लीमेंट होगा उसे वापस ले लिया है। अब कोई नाइट कर्फ्यू नहीं रहेगी। जी हाँ, सरकार ने इस डिसीजन पहले लिया था कि यूके का जो स्ट्रेन ऑफ वायरस आ चुका है उसकी वजह से, लेकिन फॉर सम रीजन कर्नाटक गवर्नमेंट ने बिल्कुल यू टर्न ले लिया है और न्यू ईयर के लिए सबको छुट्टी दे दी, यानी कि अब आपको कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। प्राइवेट स्कूल्स और चिल्ड्रंस वेलफेयर एसोसिएशन की आज एक मीटिंग हेल्ड हुई, जहां पर कई सारे मुद्दों पर बात की गई, जहां पर टीचर्स के इश्यूज़ हैं, स्कूल्स के इश्यूज़ हैं और ख़ास करके बच्चों के और पेरेंट्स, इस पर काफ़ी चर्चा हुई। और ये मामला रखा गया था न्यू नोबल स्कूल के अंदर, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक रीजनल मीटिंग रखी गई थी और इसको वक्त देने के लिए MLA मैडम कनीस फातिमा जी मौजूद थे और कई सारे दिग्गज लोग मौजूद थे। आइए सुनते हैं अमर इस्लाम इस बारे में क्या कहना चाह रहे हैं और साथ ही साथ ऐसे कई सारे रिप्रेजेंटेटिव जो इस एसोसिएशन के जिम्मेदार हैं इस बारे में क्या कहना चाह रहे हैं। आइए नजर डिस्कशंस में कई चीज़ों के ऊपर आया है, क्योंकि टीचर्स विदाउट सैलरी या बहुत कम सैलरी पे इरेगुलर पेमेंट्स पे काम कर रहे हैं, तो उनकी सैलरीज के लिए बात हुई है। जो गवर्नमेंट से हमारे को बैंक्स के इंस्टॉलमेंट्स का प्रॉब्लम है, कई स्कूल्स को बसेस के फाइनेंस का प्रॉब्लम है और डी कैटेगरी के सैलरीज का प्रॉब्लम है, उसके ऊपर डिस्कशन रहा है। मजीद बच्चे जो ऑनलाइन में स्ट्रेन में आ गए हैं मोबाइल पे पढ़ने के ताल्लुक से, और मोबाइल भी हर पेरेंट अफोर्ड नहीं कर सक रहा था, लेकिन फिर भी ये हुआ है। अब दिल्ली डेली के बाद एक स्टेटमेंट आया है कि स्कूल्स स्टार्ट होंगे 10th के और उसके बाद फिर फर्स्ट टू 9th के। और एक चीज़ है कि HKR रीजन में जिसके पहले सदर जनाब मरहूम खमरुल इस्लाम साहब थे, अनएडेड स्कूल्स को भी ग्रांट और उसका एक बजट रखा गया था। बाद में ये अब हाल की सरकार में वो जियो पास भी हुआ है। हमारा एक ये मुतालिबा है चेयरमैन साहब से, जिससे हम अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, इंशाल्लाह आजकल में उनसे मुलाकात होंगी कि हमको वो ग्रांट वो रिलीज करे प्राइवेट स्कूल्स को। इंडियन बैतुल माल हमेशा से कुछ ना कुछ सोशल वर्क में इन्वॉल्व होता है और लोगों के हमेशा वो सपोर्ट में रहता है। इंडियन बैतुल माल ट्रस्ट ने इस बार 3 महीने की मोबाइल रिपेयर जो ट्रेनिंग होती है, भाई सारे बहुत सारे बच्चे अनएम्प्लॉयमेंट चलते हुए परेशान हैं और इंडिया बैतुल माल ट्रस्ट ने मोबाइल रिपेयर ट्रेनिंग इन्हें एब्सोल्युटली फ्री दी है। कई सारे बच्चे हैं जो मुस्तैक हैं और जो हैंडीकैप भी हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते ट्रेनिंग फीस, जो जॉबलेस हैं, उन लोगों की एक जॉब क्रिएशन वाला एक मामला पेश कर रहे हैं मोहम्मद इकबाल अली, जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं इंडियन बैतुल माल ट्रस्ट के। आइए देखते हैं। कलबुर्गी सिटी पुलिस ने नए ऑटो स्टैंड्स इंस्टॉल किए हैं, जहां पर कलबुर्गी सिटी ट्रैफिक पुलिस इसके जिम्मेदार है, जहां पर ऑटोस आप अक्सर देखते हैं कि ऑटोस हमेशा लाइनअप में नहीं रहते और कई जगह वो रोड्स एक्वायर कर लेते हैं, रोड्स में ट्रैफिक जाम होता है। उस चलते हुए कलबुर्गी सिटी पुलिस ने नया इनिशिएशन लिया है और ऐसे 9 जगहों पर उन्होंने ऑटो स्टैंड्स को सेटअप किया है। GoHaz.in को सपोर्ट करें एंड लेट्स गो फार फार, यानी फास्ट, एक्यूरेट, रिलायबल। जी हाँ, आप बन सकते हैं हमारे मेंबर। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, उसे क्लिक करने के बाद आपको हमारे मेंबरशिप फॉर्म आएगी, जो फिलअप करने के बाद आप बन सकते हैं हमारे मेंबर। सो प्लीज डू सपोर्ट GoHaz.in एंड लेट्स गो फार। डेली बुलेटिन इज ब्रॉट यू बाय KBN यूनिवर्सिटी, स्टाइल अप एट प्रकाश एशियन मॉल, एंड बाय यूनाइटेड डायग्नोस्टिक्स। उम्मीद करते हैं आपको हमारा डेली बुलेटिन पसंद आ रहा होगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें ताकि आपको मिले हर अपडेट वेरी क्विकली। इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो करें और ट्विटर पे भी हमें फॉलो करें GoHaz Networks पे।